अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं माहिर और मेरा न्यू व्लॉग लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं एक साल से व्लॉग डाल नहीं रहा था। आज मैंने अपने तोतों का बहुत बड़ा पिंजरा बनाया है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और मैं आज तकरीबन 4 बजे उठ रहा था, क्योंकि सहरी तक मैं जागता रहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी पतंग की चरखिया, हम यहाँ से उड़ाते हैं, लेकिन वो उस कोने में जाकर उड़ती है तो पतंग वहाँ से गिर जाती है। और हमारे घर के नीचे किसी का मेला लगा हुआ है, आपको मेला दिखाता है, तो देख सकते हो पूरा मेला लगा हुआ है गली का। हम अपने तोतों के सेटअप के अंदर चलते हैं और देख सकते हैं हम अपने तोतों के सेटअप में आ चुके हैं। इतना बड़ा हमने पिंजरा बना लिया फाइनली। हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको, ताला खोलना। और ये ताला खुल चुका है और हम आ गए एंटर करते हुए अपने पूरे बिग केज के अंदर। ये मेरे कबूतर। सबसे पहले मैं आपको अपने जावा दिखाऊंगा। मेरे पास माशाल्लाह से 18 जावा हैं, ब्लैक, वाइट और सिल्वर में। ये देखें आप, ये मेरे पास 4 मेरे पास 1 साल से रखे हुए हैं ब्रीड के लिए। हमने इसको रखे हुए हैं, अभी ये ब्रीड के लिए तैयार होने वाले हैं, फिर हम इनसे ब्रीड करवाएंगे। और ये हमारे पास कुछ होगोरोमो और रेड आइस के बच्चे निकले हुए हैं। और ये हमारे पास फिंचेस हैं। हमारे पास फिंचेस के पेयर थे, ये दोनों नर हैं। हमारे पास ना इसकी दोनों मादियाँ मर गईं, पता नहीं कैसे बीमार हो गई थी, इस वजह से दोनों मर गईं। और हमारे पास 2 नर बचे हैं। और ये पिंजरे खाली हैं, इसमें हमारे पास होगोरोमो के पेयर हैं, जिनके वो बच्चे मैंने आपको अभी पीछे दिखाए थे। ये देख सकते हैं इतना प्यारा पेयर है माशाल्लाह से। और ये दूसरा पेयर, इसकी एक मादी सिंपल में है, लेकिन वो अंदर चली गई इंडिया के। और ये मेरे पास लव बर्ड है, ये हमने ब्रीड के लिए रखी हुई है। अभी ये थोड़े छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो हम इनसे ब्रीड भी करवाएंगे, या फिर हम इनको बेच देंगे, क्योंकि ये ब्रीड बड़ी मुश्किल से होते हैं हमारे पास। और ये एक और पेयर है, हंडिया में है, ये हंडिया के अंदर है। अरे तो शक्ल ही नहीं दिखा रहा अपनी। ये एक और पेयर, ये वाइट की फीमेल है, और ये बाकी सिंपल सना रहा है। हमने 2 पार ब्लू में रेड आइज ली थी, एक ये वाली कहाँ गई। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास होगोरोमो, ये ब्रीड करते थे, हमने इनको रेस पर डाला हुआ है, क्योंकि इनकी ब्रीड सही नहीं आ रही थी इस वजह से। और ये मेरा कबूतर उड़ा, शेराजी कबूतर है, उसकी मादी कहाँ है, इसकी मादी, अब इसकी मादी कहाँ है, ये रही मादी, अंडों पर बैठी हुई है। इसके नीचे अंडा है, एक अंडा ख़राब हो गया और एक अंडे पे अभी ये बैठी हुई है। और ये सब हमने कल इसका दाना पानी निकाला था, वैसे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ चेंजेस। और ये कबूतर का पानी है, पूरा केज है हमारा, देख सकते हैं आप। चलें गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। चाहिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।